तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ एक्चुअली में मेरे इंस्टा 360 1R के साथ। तो बता नहीं सकता कि कितना बुरा लग रहा है, एक्चुअली मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। तो आप देखो इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ जाएगा कि क्या हुआ है। सो देखो, तो आज का डे है मंडे और फ्राइडे को मेरा कैमरा एक्चुअली गिर गया था, ये रहा 360। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे गिरा और क्या हुआ। तो यही है वो महान जगह जहाँ से मेरा 360 गिरा। तो मैं ऐसे जा रहा था ऊपर और ऐसे ही जाते जाते अचानक से स्केटबोर्ड स्लिप हुआ और डायरेक्ट मेरे हाथ से गिरा स्लोली 360। और देखता हूँ तो उसके ऊपर आ चुका है डेंट। तो कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो गाइस देखो, आपको दिख रहा होगा दो डॉट जो कि वीडियो में एक्चुअली इसमें थोड़ा कम दिख रहा है, देखो ब्लर हो रहा है। हाँ देखो, अभी दिख रहा होगा, ये वीडियो के बीच में ब्लैक डॉट जैसा आ रहा है जो कि देख के बहुत बुरा लग रहा है। तो देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ब्लैक डॉट जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है मुझे देखकर। तो ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ना यार, इतने मेहनत से जब आप कोई चीज़ खरीदते हो और उसके साथ ऐसा हो जाता है, बहुत बुरा लगता है, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर मैंने गैलरी में मतलब उसको कॉल किया दिल्ली वाले को एक्चुअली गूगल से निकाल के, तो उसने बोला भाई इसे आपको पहले वहाँ पर भेजना पड़ेगा, मतलब मुंबई से दिल्ली भेजना पड़ेगा, फिर दिल्ली से हांगकांग, फिर तब जाके 25 दिन में ठीक होके आएगा। ये 360 वारंटी में, इंडियन वारंटी में, पर उसका कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये मुझसे डैमेज हुआ है तो उसका कुछ बनता ही नहीं था, तो पूरा खर्चा मेरे ऊपर आता। तो उसने बोला कि आप इतना भेजोगे उससे ज़्यादा मतलब न्यू आ जाएगा, उतने में न्यू आ जाएगा। तो अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, मैं सोच रहा हूँ कि इसका 360 का एडिक्शन एक और एक ले लूँ, बस 360 का। तो देखते अभी क्या होता है, बट यार क्या बताओ, बहुत अभी मुझे ना दूसरों को देखकर ये वाली फीलिंग आ रही है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, समझ रहे हो ना। तो चलो, जो हुआ सो हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।